मुख्यमंत्री जी भी चिंतित रहते हैं, उनका शुरू से है कि भाई न्याय के साथ हमारे विकास, तो वह दिखना चाहिए जमीन पर न्याय के साथ विकास। यह हम सब आपके माध्यम से अपने तमाम आला अधिकारियों तक यह संदेश पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। एनडीए मजबूती से जिला में और पूरे बिहार में प्रदर्शन करेगा। आने वाले दिनों में लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, हम लोग इसका भरपूर सब मिलकर एनडीए के साथी मिलकर करेंगे। बस यही आज अधिक समय नहीं लेते हुए कि आप सबों के माध्यम से यह छोटा एक संदेश आज हम लोग देंगे आगे अपने क्या, के हमारे जिला क्या भाजपा ये मानती है कि नीतीश के आने से मजबूत हुई है? देखिए, मजबूत भाजपा और न कमजोर की बात नहीं है, हम पहले से दोनों साथी एक थे, आज फिर पुनः एक हो गए हैं। लेकिन एक चीज आप बोल रहे हैं कि दोनों साथी पहले से थे, जिसने बोला कि मर जाएंगे मिट जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे, और भाजपा ने कहा था कि नीतीश को किसी कीमत पर हम घुसने नहीं देंगे, आज दोनों भाजपा अपने गोद में बैठाए हुए नीतीश। बोला है कि राजनीति में किसी का कोई न परमानेंट दोस्त होता है न दुश्मन होता है, और राजनीति में हमेशा हर चीज का दरवाजा खुला रखना पड़ता है। उसके पार्टी में आके शामिल हो जाइए, ये भी भाजपा की आइडियोलॉजी है। हम लोग देने का काम भी नहीं करते हैं, ना हम लोग गाली सुनने का काम करते हैं। तो क्या ये भाजपा मान रही है कि नीतीश के आने से उसका और भी मजबूती हुआ बिहार में? बिल्कुल, हम लोग मजबूत होंगे और भाजपा क्या मतलब पूरा ये गठबंधन मजबूत होगी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्या गारंटी है कि नीतीश इस बार भी भाजपा को नहीं छलेंगे, धोखा नहीं देंगे? बिल्कुल, आते के साथ पहला उनका वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि हम जहां थे वहीं पुनः आ गए हैं, और हम लोग किसी कीमत पर अब कहीं नहीं जाएंगे, मजबूती से यहां काम करेंगे। फिर पलटू चाचा क्यों कहा जाता है? भाजपा ही पलटू चाचा कहते हैं, सभी लोग पलटू चाचा कहते हैं, फिर कहां आइडियोलॉजी की बात होती है? ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में सब कुछ चलता है। एनडीए का जो पीसी आपके माध्यम से जो चल रहा है, इसमें आपने सवाल किया कि कब तक, तो ये लंबा चलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना, ये तो अभी आप लोगों के माध्यम से भी सब लोगों को जानकारी हो गई है, और यहाँ हम तमाम जो एनडीए के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, जदयू हो, लोजपा हो और भारतीय जनता पार्टी हो, आरएलजेपी का अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हम लोग मजबूती से अपने प्रदेश के नेतृत्व का सम्मान करेंगे और उनके जो निर्देशन आएंगे उस पर हम लोग मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का सुरबुगाहट भी हो गया है कि बिहार में 40 सीट है, 40 का 40वीं सीट एनडीए गठबंधन को हम लोग मजबूती से देने का काम करेंगे। ये तो जनता बताएगी बिहार की, अच्छा कि चाचा के साथ आके भतीजा के साथ है, और मीडिया के लोग ही दिखाता है ये जनता किसके साथ है, आप ही लोग दिखाते हैं, ठीक है, आप ही लोग माध्यम से हम भी देखते हैं कि भाई जनता किसके साथ है। तो कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, जनता बिहार की जनता जो है बहुत समझदार है, और हमारे नेता चिराग जी के साथ उनके सब लोग साथ हैं। चिराग जी जी, हम लोग हमारे नेता का जो फैसला पहले हो चुका है, हम लोग पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं और रहेंगे, और इस आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हमारे नेता का स्पष्ट निर्देश है कि जहां भी हम लोगों को मिलेगा अपने नेता को जिताने के लिए हम लोग काम करना है, और गठबंधन के जिस साथी को जहां से भी सीट मिलेगा उसी उतनी ही ताकत से अपने गठबंधन के साथियों को जिताने का भी काम करना है, और आज यह इसकी आवश्यकता है, जनहित में इस काम को हम लोग करेंगे पूरे ताकत के साथ।